सभापति महोदय, ये प्रश्न के उत्तर में जो सी का जवाब है कि मिनिस्ट्री जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस के माध्यम से स्वदेशी खेल से लेकर अन्य खेल का बढ़ावा देती है। झारखंड की बड़ी स्थिति खराब है सर, वहाँ की जो स्टेट है वो स्पोर्ट्स के बारे में चिंतित ही नहीं है। और यदि अभी आपने देखा होगा कि महिला हॉकी की टीम की जो महिलाएं वहाँ खेलने के लिए गई, उनके पैर में बढ़िया से जूते भी नहीं थे जिसको कि भारत सरकार ने मुहैया कराया। मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से ये प्रश्न है सर कि देवघर में केंद्र सरकार के माध्यम से एक बहुत बढ़िया स्टेडियम 25 करोड़ का हमने बनाया है और पिछले 7 साल से मैं लगातार पत्र लिख रहा हूं और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम बराबर वहां गई है। क्या भारत सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर, क्योंकि वो केंद्र का पैसा है और केंद्र ने 25 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो पैसा दिया है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी का कोई सेंटर देवघर में जो कि वो स्टेडियम डिफंक्ट है उसको रिवाइव करके बनाने का कोई प्रस्ताव है, या स्पोर्ट्स अथॉरिटी टीम जो गई है उसकी क्या रिपोर्ट है, इसके बारे में यदि बताएंगे तो बढ़िया होगा। मिनिस्टर, माननीय सांसद जी को मैं आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा कि सारे जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स के हम लोगों ने स्टेट से पूरा साल भर क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है इसके लिए हम लोगों ने मांग किया था और माननीय खेल मंत्री अनुराग जी ने भी हर एक स्टेट की जो खेल मंत्री है उनको पत्र प्रेरण किया था और मैंने भी खुद हर एक राज्य की खेल मंत्री जी के साथ बात करने का प्रयास किया। और महोदय, जैसे कि बंगाल से भी, वेस्ट बंगाल से भी कोई प्रपोजल नहीं आया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और पड़ोसी स्टेट होने का नाते झारखंड से भी कोई प्रस्ताव नहीं आता है, तो मैं समझता हूं कि पड़ोसियों का बेस्ट प्रैक्टिसेस लेना चाहिए। पास में ओडिशा है, उसको भी देखना चाहिए। और मैं निशिकांत जी को ये बोलना चाहूंगा कि हमारा जो कार्यकाल है उसमें अभी तक कोई भी प्रस्ताव अभी तक नहीं आया है। अगर राज्य के माध्यम से कोई प्रस्ताव आता है तो मैं ये निश्चित रूप से मैं ये कहता हूं, मैं ये अश्योर करता हूं कि यथा समय पर उसका निर्णय लिया जाएगा।